हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आप सबका स्वागत है टू मिनट सीरीज में आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज दैट इज स्नो लेपर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे अब जो स्नो लेपर्ड है ये इतना इजीली साइटेड नहीं है इट इज़ एन इल्यूसिव मैमल बट इट इज़ वन ऑफ द फाइव बिग कैट्स विच आर फाउंड इन इंडिया अब ये कौन सी हैं टाइगर्स लायन clouded leopard and the normal leopard theek hai along with the snow leopard so panch species hai big cats ki jo india mein milti hain and it is a rare honor right ab agar hum baat kare snow leopard ki to ye q news mein hai पहली चीज़ देखो अगर हम बात करें ना Snow Leopard की तो ये आपको Central Asia में मिलता है Central Asia से लेके ये it spans throughout, right? राइट और uh, एज़ फार एज़ नंबर ऑफ कंट्रीज़ आर कंसर्न तो ये बारह एशियन कंट्रीज में मिलता है इंक्लूडिंग इंडिया लेकिन एक रिपोर्ट आई बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जिसमें ये पता चला कि जो सेवेंटी परसेंट हैबिटाट है स्नो लेपर्ड का वो अभी भी अनरिसर्च है वी डोंट नो अबाउट इट वी डोंट नो कि वहाँ पर कितने स्नो लेपर्ड्स हैं सो दैट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न एज़ फार एज़ द कन्जर्वेशन एफर्ट्स आर देयर आर रिलेटेड तो ये जो रिपोर्ट है ओवर हंड्रेड इयर्स ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च अ स्पेशली एक्सप्लिट रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ नॉलेज इन द स्नो लेपर्ड रेंज इट वॉज रिलीज रिसेंटली बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड यही एक इसकी मेजर फाइंडिंग थी कि सेवेंटी परसेंट ऑफ द हैबिटाट ऑफ स्नो लेपर्ड ओवर ट्वेल्व एशियन कंट्रीज रिमेन अन रिसर्च राइट उसके बाद अगर हम हैबिटाट की बात करें तो ये आपको ट्री लाइन के अबव मिलता है मतलब इट इज़ फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड रिजन्स राइट मोस्टली एटीन थाउजेंड फीट की हाइट पर ये आपको मिलता है इंडिया में ये लद्दाख जे एंड के सिक्किम उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश एंड इन फैक्ट अगर ये आपको इंडिया के माउंटेन में मिल रहा है या कहीं भी माउंटेन में मिल रहा है तो मतलब कि वो जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो थ्राइविंग है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ इंडियन माउंटेन्स जो कि इन टर्न पानी दे रहे हैं मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन सो द माउंटेन्स आर इम्पॉर्टेंट एंड फॉर दोज माउंटेन्स स्नो लेपर्ड इज इंपॉर्टेंट स्नो लेपर्ड्स ना कैरिस्मेटिक होते हैं बट दे आर रेयरली सीन काफी ज्यादा एलूसिव एनिमल्स हैं इनको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है अब अगर हम स्नो लेपर्ड को कंजर्व करते हैं तो हम एक तरह से पूरे माउंटेन इको को कंजर्व कर रहे हैं जो स्नो लेपर्ड्स हैं ना दे आर टॉप ऑफ द्रिड टॉप ऑफ द फूड चेन ठीक है टॉप मोस्ट प्रिडेटर होते हैं लाइक द अदर बिग कैट्स तो अगर आप स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व कर रहे हो तो आप गोड्स पैसचर लांस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो फॉर लोकल कम्युनिटीज़ इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड को एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी आइडेंटिफाई uh, किया है फॉर द माउंटेनज ईको अब अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पिति इन हिमाचल प्रदेश में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ इन हॉट स्पॉट फॉर स्नो लेपर्ड्स और हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड तो ये जो दो फैक्ट्स हैं ये आपके प्रलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट right? उसके बाद आ, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो आप देखो सेंट्रल एशिया से लेके रशिया तक और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ़ दी कंट्री इंक्लूडिंग लद्दाख वग़ैरह में ही आपको मिलता है थ्रेड्स की बात करें तो आ, ऐसा माना जा रहा है कि 4000 से सिक्सटी फाइव हंड्रेड और स्नो स्नोलेपर्स आर लेफ्ट राइट और जो रह भी गए हैं दे ऑल्सो फेस वेरियस थ्रेट्स जैसे कि हेबिटैट लॉस हो रहा है कॉन्टीन्यूसली और अगर लॉस नहीं भी हो रहा है तो हैबिटाट जो रह भी गया है वो भी डिग्रेड हो रहा है पोचिंग बहुत रैम्पेंट है इत, इनकी और उसके बाद ना इनका क्लाश होता रहता है विद द कम्यूनिटीज जिसकी वजह से भी देयर नंबर्स हैव डिक्रीज एक ट्रैफिक एक नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ऐसा लिखा गया था कि अक्रॉस इट्स रेंज एटलीस्ट वन स्नो लेपर्ड इज़ बीग किल्ड वो खुद नहीं मर रहा इट इज़ बीग किल्ड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आई यू सी एन वन है शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपेंडिक्स वन ऑफ बोथ साइट्स एंड सी एम एस ठीक है सो प्रोटेक्शन स्टेटस फैली सिंपल सिर्फ ये जो है कि वनरेबल है ये आपको पता होना चाहिए इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने आ, Uh, थोड़े साल पहले 2019 में आई गेस स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया एस लॉन्च किया था टू एस्टिमेट कितनी पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड्स की इन in इंडियन हिमालय उससे so, पहले एज सच को इतनी बात नहीं हो रही थी देन ट्वेंटी वन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है स्नो लेपर्ड ठीक है उसके बाद ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक uh, चीज़ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्स उसका पार, उसकी पार, इंडिया इज अ पार्टी टू दैट देन देर इज़ ऑल्सो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और यू एंड डी पी मिल के करते हैं विच इज़ फॉर द कन्जर्वेशन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी ठीक है इन द इंडियन हिमालयन रीजन तो बेसिकली दॉइंट है इस कि वहाँ पर फिर हम बाई डिफॉल्ट स्नो लेपर्स को कंजर्व करें तो ये डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हम कंजर्व कर रहे हैं देन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्स दो हजार नौ में लॉन्च किया गया था

डिक्लेरेशन साइन की थी फॉर द ऑफ स्नो जिसमें से इंडिया भी एक था ठीक so तो तो है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम वॉज लॉन्च राइट और इसी दिन क्योंकि तेईस अक्टूबर को बिशकैक डिक्लेरेशन साइन की गई थी फॉर कॉन्जर्वेशन ऑफ स्नोपर्स इसीलिए दो हज़ार चौदह ऑनवर्ड्स जो uh, स्नो तेईस अक्टूबर को स्नो लेपर डे मनाया जाता है और जो 2020 में स्नो लेपर डे मनाया गया इंडिया में उसमें अ कम्युनिटी वॉल्टियर प्रोग्राम हिमल सन रक्षक वॉज लॉन्च Which was followed by the release of origami notebooks based on the theme of combating illegal trade in wildlife and obviously for the protection of snow leopards. Right? So this was regarding the snow leopards. We have tried to cover everything which is important as far as prelims is concerned for snow leopards. if you have doubt hai, a please comment. But thank you so much.